तो निहत धार्तराष्ट्र न का प्रीति स्या जनार्दना पापमेव आश्रय दस्मान हत्वैतान में ये प्रश्न उठा धार्तराष्ट्र को मैंने धृतराष्ट्र के संतानों को मात्र को मार दो, अन्य सबको छोड़ दो, आचार्य पितर पुत्र पितामह सबको छोड़ देना, इनको क्यों मार दो, इन्हीं लोगों ने तुमको तंग किया। तब कहते हुए लौकिक न्याय है जिसके वजह से हम कर उसको उचित नहीं समझते हैं। अपकर्तर्यपि वृद्धे अपकारो न कार्य अपकर्तर्यपि वृद्धे, अपकार करने वाले वृद्ध के लिए विषय में भी ये श्रुति मैंने लौकिक न्याय कहता है उसका अपकार कभी करना नहीं चाहिए। इसे विचार चल रहा था, आगे और आएगा जब वर्ण शंकर आदि की बात आएगी ना, हम बताएंगे वहां दूसरे के संतान को कभी भी अपना नहीं मानना है। इससे बड़ा भूल स्मृति कहेगी, इससे बड़ा भूल मूर्खता और कुछ नहीं जो दूसरे के कोख में पैदा बच्चे को अपना मान लेना, इससे बड़ा भूल नहीं हो सकता संसार में। आगे आएगा बात है गोद लेने पर भी, कहते फिर गोद किस लिए, वो केवल शास्त्रीय व्यवहार के लिए भाई जलाने वाला का काम के लिए, वास्तविक पुत्रत्व तो नहीं आ सकता चाहे कुछ भी हो। कि गोद लेने के भी 8 अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, विधि है मनुस्मृति में। आप किसी भी विधि से आप गोद ले लीजिए बच्चे को, खेती को खरीद सकते हैं, बीज को खरीद सकते हैं, अनेक प्रक्रिया है, या कहीं उत्पन्न को किसी भी जात पात को ले सकते हैं, या स्वजाति का ले सकते, वर्ण का ले सकते हैं, अनेक प्रक्रिया है। स्वयं आदमी नपुंसक है तो पत्नी सबल है तो क्या करना पड़ता है, बीज को खरीद, आदमी को पकड़ते हैं फिर वो आदमी उसे पैदा करेगा तो अपना पुत्र हो जाता है, कहते वो भी ठीक है लोक व्यवहार के लिए पुत्र तो माना जाएगा और तो अपने शास्त्रीय कर्मों के लिए मान लो, लेकिन वास्तव पुत्र नहीं हो सकता। कहीं बीज ठीक है खेती कट पड़े पत्नी बांझे तो आदमी क्या करेगा, दूसरा औरत को किराए पर खरीदेगा, किराए पर ले लेगा और उस औरत को पैदा कर देगा, उसको खिलाएगा पिलाएगा 9 महीने तक सारा कुछ कुछ करना है उसने, उसके बाद भी उसके स्वास्थ्य क्षति को लेकर के जो है कंपनसेशन सब देता है, विधि है शास्त्र। एक तीसरा भी होता है उसको भी पुत्र नहीं मानना बोला, यदि पति पत्नी ही है सवर्णी है बच्चा पैदा हुआ यानी माँ के स्तन में दूध नहीं, उसके लिए दूसरी औरत को खरीदा जाता है जिसकी औरत में वर्तमान में स्तन में दूध है, तो दूसरे का दूध पी लिया ना वो बच्चे ने माँ का, वो बच्चा भी आपका अपना कभी नहीं हो सकता। यहां तक वर्णन आया, शास्त्रकार लोग बहुत विवेचन किए, ऋषि लोग ऐसे नहीं बोलते। अब आज प्रैक्टिकल हम लोग आज भी देखते हैं इस घटनाओं को, गोद लिए बच्चों को जितना भी कोशिश करें आप उसको सक्षम स्व अनुरूप स्व योग्य वगैरह वगैरह नहीं बना सकते। ये ऋषिकेश में दृष्टांत डॉक्टर प्रसिद्ध हैं, उन्हें गोद लिया एक पहाड़ी बालक को, बहुत कोशिश किया उसको पढ़ाए लेकिन 10वीं पार हुआ ही नहीं, वो चाहते अपने से इसको डॉक्टर बनाऊ। 24 घंटा पति पति लगे रहते बचपन से उसको जो है, केवल 11 दिन का बच्चा था जो उसको लिया गया लेकिन 10वीं पार नहीं कर पाया। मैंने स्वानुरूप बनाना, स्वगुणों से उसे संयुक्त कर देना, स्वसंस्कारों से उसको प्रेरित कर देना, संयुक्त कर देना, ये सब बिल्कुल ही संभव नहीं है, इसमें पुत्रत्व तो संभव नहीं है। से जितना भी भीम आदि भले पाले प्रेम से ले जाए रोटी पानी ये धृतराष्ट्र को, फिर भी अंदर ही अंदर वो रहता है यही बुढ़े के कारण से हमको 13 साल भटकना पड़ा। उन पांचों में रहेगा भाई युधिष्ठिर में भी ना हो लेकिन भीम के अंदर तो बड़ा खोलते रहता है बात। इसलिए विदुर ने जब धृतराष्ट्र को वैराग्य दिलाया वहां से, यही तो कहा भीम रूपी व्यक्ति ने जैसे कुत्ते को टुकड़ा फेंक रहे ना उसका जो टुकड़ा तुम खा रहे हो बोला। विदुर ने भी जानता है कि अच्छी तरह से कि भीम के हृदय में कभी भी धृतराष्ट्र को माफी नहीं मिल सकता है, वो टुकड़ा देगा तो कुत्ते को जैसे टुकड़ा दी जाती वैसे ही धृतराष्ट्र को देगा। ये भागवत के शुरू में ही आया है ये बात, तभी धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों छोड़ के भाग गए। इतना सुनाता है विदुर वहां भयंकर शब्दावली, तब धृतराष्ट्र वहां से ये तो ठाट से खा पी के तो रहता ही था बूढ़ा बूढ़ी दोनों, लेकिन सच्चाई क्या है वो अन्न में वह प्रेम वह सेवा भाव वगैरह नहीं हो सकता जितना भी कोई भी।
इसलिए यहाँ पर, लेकिन वो बात ना आती है हम पा सकते भावना अब नहीं आ रही, इसलिए ये न्याय पकड़ रहा है अर्जुन यहाँ। अपकर्तर्य भी वृद्ध है अपकारो न कार्य। इस न्याय के आधार पर जो है मैं बच्चों को मारना नहीं चाहता हूँ, जाके मैं चाहता हूँ कि ये बच्चे उसके दुर्योधन आदि जिंदा रहे और मरने तक धृतराष्ट्र का सेवा करते रहे, इसे मैं इनको नहीं मारना चाहता। इनको मार के मेरे को क्या प्रसन्नता मिलनी है, नहीं मिल सकती। ये यहाँ पर तस्मान नारावयम हंतुम धार्तर राष्ट्रां स्व बांधवान स्वजनम ही कथम हत्वा सुखेन श्याम माधव। हे माधव, उपसंहार कर दे रहा यहां पर, अभी तक जो दिया था न श्रेयो न पश्यामि से शुरू करके सारे शास्त्र श्रुति स्मृति युक्ति न्याय लौकिक न्याय के आधार पर जितना उसने अपनी बात कही है उसका निचोड़ देता होगा। तस्मात नारा वयम हंतुम राष्ट्रान स्वबांध, अपने बांधव रूपायन धार्त राष्ट्रों को हम हनन करने योग्य नहीं है। स्वजनम ही कथम हत्वा, क्यों यस्मात स्वजनम हत्वा कथम सुखन श्याम माधव, हम सुखी कैसे हो सकते हैं हे माधव। श्लोकार्थ तो सीधा है, अब वही साधक के दृष्टिकोण से भी एक मुमुक्षु का प्रश्न में मुमुक्षु साधक कह सकता है, भाई आप बार बार कहते हो रजोगुण को और तमोगुण को मिटा दो, कहते मिठा कैसे देंगे, वो तो हमारे बांधव है। सत्वगुण में यह भ्रम हो जाए कि वह रजगुण और तमगुण को साथ में लेके चलना चाहता है, क्योंकि सत्वगुण रजगुण तमगुण तीनों किसके संतान है, अविद्या के संतान है, बांधव है कि नहीं हुए है, बल्कि सहोदर है, बांधव से भी भयंकर है, सहोदर है। एक ही अविद्या भी मां से पैदा होती है सात्विक वृत्ति, ये उसी अविद्या भी मां से पैदा हुई है राजसी वृत्ति, उसी अविद्या से पैदा हुई तामसी वृत्ति, इसलिए सात्विक वृत्ति के सहोदर भाई और बहन के समान है ये राजसी वृत्ति और तामसी वृत्ति। वृत्ति स्त्रीलिंग से बहन बोल रहा हूं, तो स्व बांधवों को हम कैसे नष्ट कर सकते हैं। सात्विक वृत्ति संपन्न साधक बुद्ध कहता है वयम साधक स्व बांधवान रजगुण तमोगुणाम कथम हंतुम राहा, हम कैसे उसको हनन कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, अर्थात नहीं कर सकते। तो सत्वगुण भ्रमवशात मान के चल रहा है, बिना रजगुण और तमोगुण का हम नहीं चलेंगे, हम इसे नष्ट नहीं करेंगे। लेकिन एक साधक के सोचना पड़ता है, क्या रजगुण और तमोगुण के से युक्त होकर के सत्वगुण प्रधान लेकर के हम मोक्ष को पा सकेंगे, और अत्यंत निवृत्ति भी नहीं हो सकती है लेकिन आत्यंतिक आविभव हो सकता है। इसे हमें करना क्या है कि रजगुण तमगुण का अत्यंत अभिभव कर देना है और सत्वगुण का अत्यंत उद्भव करना है, तभी जाकर के मोक्ष की सिद्धि होगी। लेकिन जब तक ये सोचे हमारे से भी बराबर बने रहें तब तो मोक्ष कदापि होने वाला नहीं। और अर्जुन यही चाहता है ना, मेरे जैसे भी जिंदे रहें, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, सत्व के समान रज भी बना रहे, सत्व के समान तमह भी बना रहेगा तो मोक्ष ही नहीं सिद्ध होगा। और कहता क्या है, स्वजन में कथम मत्वा, ऐसे स्वजन बुधा रजगुण तमगुण को हनन करके सुखिन श्याम कथम, मैं आनंदानुभूति कैसे कर सकता हूं। उल्टा है, सारा भ्रांति है यहां पर, बल्कि सच्चाई क्या है, आनंदानुभूति तब होगी जब हम रजगुण तमगुण को अत्यंत अभिभूत करेंगे। और ये कह रहा है उसके बिना हम कैसे रहे अनुभव करेंगे आनंद को, ये सब भ्रमों के बाद निवारण करेंगे। 18वें अध्याय वर्णन करेंगे सब वास्तविक क्या चीजें हैं, परसरुद्ध कौन है, किसको हमें नष्ट करना पड़ेगा, नष्ट करना तो अत्यंत अद्भुत करना पड़ेगा और किसको हमें अत्यंत उद्भूत करना पड़ेगा, ये सब तो विचार आएगा 16वां 17वां 18वां। एक एक जवाब भगवान ने विस्तार रूपेण देंगे बाद में, जो यहाँ पर ये बोलते जा रहा है। संबोधन था माधव मधुवत, मधुवत प्रीति योग्य, इसीलिए आप माधव कहे जाते हैं। तो आप माधव होने के नाते आपका कर्तव्य है कि आप हमें सम्यक मार्ग का दर्शन कराएं। मधुवत प्रियोसी अतएव सम्यक मार्गम दर्शयति माधव, जो प्रिय होता है ना वो सम्यक दर्शन सम्यक मार्ग बताता है। इस विषय में
साहित्य दर्पण में बहुत सुंदर लिखा, कांता सम्मिततये। कहते हैं कि जीवन में सम्यक मार्गदर्शन कौन कौन कर सकता है आपको, वो गणना कर रहे हैं। पहला गिना उसने माता, आपको कभी अहित किसी भी अवस्था में मां तो सोच ही नहीं सकती है। दूसरे में पिता, तीसरे में आचार्य विद्या प्रदाता, चौथे में पत्नी, सुहृत गिना, साधारण मित्र नहीं, सुहृत गिना है वहां पर। तो ये कुल गिना दिया उन्होंने पांच लोग। इन पांच लोगों के अंतर्गत मित्र भी सर्वश्रेष्ठ होता है, और सुहृद मित्र क्या होता है, अत्यंत प्रिय। आप मधु के समान अत्यंत प्रिय हैं, आप हमारे मित्र हैं। कहेंगे भी सखा वगैरह मैं बोला आपको अपमान कर दिया ऐसे बोल करके करके वहां ग्यारहवें अध्याय में कहेगा। इसे भगवान को अभी भगवान नहीं जानता है, ये इसको मित्र ही मान रहा भी कृष्ण को। इसलिए आप मेरे अत्यंत प्रिय मित्र होने के नाते मेरे अंदर जो खलबली मची हुई है इस समय में, शास्त्रों के आधार पर, श्रुति स्मृति युक्ति नीति के आधार पर जो मेरा सोच है इसमें भी गड़बड़ है, आप सम्यक मुझे मार्गदर्शन करें, इस भावना से माधव विशेषण संबोधन कर दिया, हे माधव। और मैं तीसरा पक्ष एक था ना, उसमें ही था कि भाई तुम उनको नहीं मारना चाहोगे लेकिन वो तुमको मारना चाहते हैं और सुखी होना चाहते हैं। तुम उनको मार के सुखी नहीं हो सकते हो लेकिन वे लोग तुमको मार के सुखी होना चाह रहे हैं, प्रसन्नता प्राप्त करना चाह रहे हैं, अतएव वो आ रहे हैं तुमको मारने, तुम्हारे कर्तव्य अपने आप उसको रोकना, प्रतिरोध करना। क्योंकि लौकिक न्याय ये भी कहता है ना, जो यदि आहु तो निवर्तेता द्यूतादपि ऋणादपि स्मृति आहु तो न निवर्तेता द्यूतादपि ऋणादपि। द्यूत में भी और रण में भी जब किसी एक क्षत्रिय दूसरे क्षत्रिय का आह्वान करता है तो उससे कभी पीछे हटना नहीं चाहिए, तब उसके भी जवाब हो देता है, देखो ऐसा है ये आहुत जो हमें क्यों किए हैं ये तो समझिए थोड़ा है, यदि हम उनको छोड़ दें राज्य तो लड़ाई होगी क्या, करेगा क्या वो। दुर्योधन हमको लड़ाई के लिए आह्वान किया है, क्यों किया, हमने हिस्सा मांगा नहीं ना। यदि हम हिस्सा नहीं मांगते, पांच गांव मांग करके भी हमने संदेशा भेजा तुम्हारे साथ, शांत संदेश भेजा था, बोले हमें चलो राज्य नहीं चाहिए, राज्य के बंटवारा नहीं चाहिए, पांच गांव मात्र दे दे, तो कृष्ण के द्वारा कहा कर भेजा था। तब उसने कहा नहीं नहीं सुई बराबर नहीं दूंगा, जमीन सुई का नोक के बराबर, हाँ सुई की लटा कर लंबा भी नहीं मांगना, हाँ सुई के नोक के बराबर जमीन भी नहीं दूंगा, ये कहा था। तो समस्या यह है ना, अर्जुन तर्क देना चाहता है, उन्होंने हमें लड़ाई के लिए आह्वान क्यों किया, लोभवश किया है, और हम भी लोभी बन जाए हैं, फिर क्या साधकत्व हमारे अंदर रह गया, सत्वगुण कहाँ है, अंतगुण शुद्धि कहाँ है। अगला लोभवश लड़ रहा है तो हमारी बुद्धि तो ये कहना चाहिए हम तो लोभ त्याग दें, कहें चल भाई तू ही राज्य रख ले, ये जंगल भी तुम्हारी है तो चलो हम ये जंगल भी छोड़ कर यहाँ और चले जाएंगे, लेकिन ये जंगल भी तो रख ले। बात यह है ना कि पहले होने और अब होने में अंतर है, पहले इसलिए नहीं हुआ, पहले उसने सामने देखा नहीं था कि ये सब लड़ने आएंगे, कौन, भीष्म द्रोण कृपाचार्य, क्यों नहीं हो सकता है, दुर्योधन ने युद्ध के लिए बुलाया है, ये जरूरी है कि बूढ़ों को सबको लाएगा युद्ध भूमि में, है दुर्योधन आता अपनी सेना लेकर आता लड़ता, अपने कुल पितामह है वो तो आए, जरूरी नहीं है ना भाई। देखिए आज भी मान लो आपका बेटा युद्ध करने चला गया, जरूरी कि आप भी चले जाएंगे युद्ध करने, दादा भी चले जाएंगे युद्ध करने, नहीं नहीं देखिए इसमें हस्तिनापुर की रक्षा कौन करना है, पितामह करना है, जरूरी नहीं है, नहीं वो तो प्रतिज्ञा लिए है, नहीं प्रतिज्ञा लिए हैं तब न जाते जब दुर्योधन हार जाता, पहले क्यों जाए, नहीं क्यों नहीं, यही होता है पहले जमाने से, क्या है परंपरा, क्या है इससे पहले भी लड़ाइयां हुई दुर्योधन का इन्हीं लोगों के साथ, विश्व पिता क्यों नहीं गए,
गोग्रहण के एक ही समय गए, जो भी वो भी कल्पवास के चक्कर में, उससे पहले क्यों नहीं गए? असल में क्या है, वास्तव में ये सारी स्थिति जान के कृष्ण भगवान ने पैदा किया है मिटाने के चक्कर में वंश को। इसे ये युक्तियां बनती नहीं, क्यों? नियम क्या था, वास्तव राजा भी नहीं जाता है, सेनापति को भेज दिया, सेना को भेज देता है। जब खबर मिलती है सेनापति गड़बड़ा रहा है, खुद राजा तब जाता है, और राजा भी गड़बड़ा जाता है तब भीष्म पिताजी जो श्रेष्ठ लोग थे उनको जाना चाहिए। सारे के सारे इकट्ठे क्यों हो गए? ये कृष्ण की लीला है, और जान के किया है, मेरे कोई जरूरी नहीं था कि सब आ जावे। बाद में आ सकते हैं, बाद में कितने आए हैं और जुड़े हैं, महाभारत कथा में आता है। कई राजा लोग पहले दुर्योधन समर्थन आए नहीं थे, बाद में जैसे सुना कि इतने मर गए, इतना हो गया, अरे उसका वो आदमी मर गया, ये मर गया, तो हम चलते हैं साथ, और वो आ गया साथ देने के लिए, पर और आगे साथ देने के लिए, बाद में भी तो आ रहे हैं लोग, क्यों आ रहे फिर? इसलिए जरूरी नहीं था कि बूढ़े सब आगे इकट्ठे वहां पर पहले ही दिन से लग जावे, देखते दो चार दिन बच्चे क्या करेंगे फिर जाते। लेकिन भगवान कृष्ण ने ये सब भविष्य तो जानता ही है, सब कुछ त्रिकालज्ञ है ना, ईश्वर है कृष्ण, तो उस इसको निमित्त बना करके साधकों को, मोक्षों को ज्ञान देने के लिए सारा नाटक भगवान ने गीता के लिए ही रचा हुआ है। ये स्थिति वंशनाश होना है ही है, और उसके बावजूद हस्तनापुर की रक्षा तो होना ही है, भीष्म पिता के न रहने पर भी हस्तनापुर की रक्षा रहेगी, जब तक कृष्ण चाहेगा तो उसकी रक्षा होते रहेगा, ये न किन प्रकार है ना। लेकिन सब लीला जो रची गई है भगवान कृष्ण के द्वारा जान के रची गई। कुरुवंश को मारना है तो और भी प्रक्रियाएं थी मारने की, युद्ध भूमि की जरूरत नहीं थी, और सबसे बड़ी बात जो यह इस कथा के द्वारा मुमुक्षु को बताना चाह रहे हैं, मुमुक्षु के अंतकरण में युद्ध ना हो और ये शरीर रूप युद्ध भूमि में स्थित ना हो, रजगुण तमगुण और सतगुणों की लड़ाई को ध्यान में ना करके विचार ना करें, फिर मुमुक्षुता ही नहीं आ सकती। जब तक अंतर्द्वंद नहीं होता है, वैराग्य कहां से होता है, मोक्षता कहां से आएगी? अब आराम से बैठे हो घर में, आराम से खा पी के सेठ के बच्चे हैं, किसको विवेक हो रहा है, किसको मोक्षता आ रही है? इसलिए अर्जुन जब घर में था, पूर्व में युद्ध भूमि से बाहर, वहां पर विवेक जग नहीं सकता है उसको। यह इसलिए जान क्यों कि भगवान ने क्या कहा, पश्य भीष्म द्रोण प्रमुखतः नाम लिया, जो कि वाक्य बोलने कोई जरूरत नहीं थी कृष्ण को, अर्जुन ने वही हमने आपको समझा दिया था। अर्जुन ने क्या कहा, सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापे में अच्युत, उसे ही नहीं कहना वहां जाके खड़ा करने मुझे बदान में जो किसको देखने किसको नहीं देखना है, वो स्वयं कैर मया सहयोद्धव्यम, मैं स्वयं देख लूंगा मेरे को किस किस से लड़ना है। लेकिन भगवान ने जान बुझ के वहां पर एक बॉम्बशेल डाल दिया, एक तरह से उसके अंदर मोह पैदा करने के लिए, ये ना हो कहीं एक कर्ण को देखेगा दूसरे को देख लेगा, और इनको नहीं देखेगा तो उसके अंदर मोह नहीं होगा, ये सारी बातें नहीं आएगी उससे, और वो बोलता भी आगे हाँ भीष्म पितामह मारूंगा कैसे मैं, जबकि भगवान जो तर्क दे रहे हैं कल धृतराष्ट्र को मारो, वो कहते गुरु न हत्वा ही महानुभावान, कहां जा रहा है वो उसकी बुद्धि। इसे जान बुझ के भगवान ने वहां पर वाक्य डाला कि भीष्म द्रोण प्रमुख को तुम देखो, ये दो नाम लिया और किसी का नाम नहीं लिया, इसीलिए इन दोनों को आने कोई प्रेरणा दिया है अंतकरण से। भगवान ने कहा कि तुम दोनों आओ, तुम दोनों नहीं आओगे इसके अंदर मोह नहीं जगेगा, यदि इसके धर्मगत मोह नहीं जगेगा तो गीता का आरंभ ही नहीं होगा। स्वरूपगत मोह की निवृत्ति के लो आरण्यक है, जंगल में जाके बैठ के कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे सकता है आत्म संबंधी मोह की निवृत्ति के लिए, लेकिन स्वरूप मोह से पूर्व क्या होता है, ईश्वर मोह होता है, ईश्वर मोह से भी पूर्व क्या होता है, धर्म का मोह होता है। ये धर्म का मोह स्थापित करना जरूरी है, पहले उसकी निवृत्ति के लिए निष्काम कर्म योग बताना है, ईश्वर मोह की निवृत्ति के लिए भक्ति योग बताना है, तब स्वरूप मोह निवृत्ति के लिए ज्ञान योग बताना है। तो तीनों योगों को समझाने के लिए भगवान को पहले अर्जुन को तैयार करना था कि उसके अंदर धर्म का मोह उत्पन्न कैसे हो, उसके लिए भगवान ने सारी ड्रामा रची है।
और इसे जे का वहां पर दिया। दूसरा आजकल जैसे आपके कार है, ड्राइवर है मान लीजिए, आप ड्राइवर को बोला ले जाओ हमारी गाड़ी वहां खड़ी कर दो, तो जेको खड़ा कर दो, वे नहीं कहेगा साथ आप इसको भी देखिए इसको भी देखिए, बोलेगा क्या हो आप, डांट दोगे उल्टा है, तुम कौन हो तो बोलने वाला, हमने तुमको कहा खड़ा करो केवल खड़ा करो चुप, और ड्राइवर लोग करते हैं आप जहां बोलो खड़ा करो चुप खड़ा हो जाएगा, वो बोलेगा नहीं कुछ, जब तक आप स्वयं कुछ कहोगे नहीं तो जब ड्राइवर कुछ कहेगा क्या। और कृष्ण रू क्या था, वहां केवल ड्राइवर था, वो क्यों बोल रहा है तुम इनको देखो उनको देखो उनको देखो, ये जान के सब चल रहा है। और ये ऐसा क्षेत्र, क्यों हमने पहले कहा ना कि धर्म क्षेत्र हमने दूसरा ली थी, इसलिए ये सारी चीज एक साधक के अंदर भी घटानी है और हम घटाते हुए कोशिश कर रहे हैं हर जगह। तीसरे इनका कहना है कि जब तक व्यक्ति के अंदर अपना और नहीं देख रहा है तो युद्ध का कारण क्या है। अब युक्ति क्या दिया था उसने, यदि कृष्ण कहता है आहु तो न निवर्तेत द्यूतादपि रणादपि, इस युक्ति को लेकर चलोगे तब जवाब दे रहा है वो आहुत उन्होंने किया है क्यों, लोभोपहत चेतस यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतस कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। वो लोभ से उपहित चित्त वाले हैं इसलिए उन्होंने आह्वान किया, और हम भी कुछ लोभग्रस्त थे पहले, अब मेरे को विवेक हो रहा है अरे पांच गांव मांगना भी गलत था, सुई के नोक के बराबर जमीन मां लेना गलत था, हमको भी लोभग्रस्त नहीं होना चाहिए। यदि वास्तविक वैराग्य है तो मुझे सुई के नोक के बराबर जमीन भी मांगना नहीं चाहिए था, हमने मांगा इसलिए वो आहूत किया है, अब हम पीछे हट के संन्यास लेंगे तो लड़ाई अपने समाप्त हो जाएगी। तो आप लड़ने क्यों बोल रहे हो इस न्याय के आधार पर, क्यों लड़ाई का मूल कारण तो समझिए, लड़ाई का मूल कारण क्या है, लोभ है, लोभ उनमें भी है मुझ में भी था, लेकिन अब ये सब देखने के बाद मेरी आंखें खुल गई हैं, मेरा विवेक जग गया है, अब मेरा लोभ खत्म हो गया, अब मैं सोचता हूं इसलिए त्रैलोक्य में राज्यस्य, कह चुका हूं मुझे नहीं चाहिए, मेरे अंदर लोभ नहीं रह गया इसे अब मेरे को लड़ने की जरूरत नहीं है, पहले था इसे लड़ने आ गया है कि नहीं, पहले था लोभ इसे तो सांसद भेजा, आदमी को भेजा और कृष्ण को भेज के मांगा डिमांड कर इतना कम से कम दो, वी नीड दिस मिनिमम, नो मीन्स कम ऑन लेट्स फाइट, उस समय ऐसी बुद्धि थी ना हमारी, लेकिन अब देख रहा हूं कुलक्षय आदि का दोषों को देख रहा हूं, महापातक होने की संभावना देख रहा है मेरे को, सब उल्टा दिख रहा है, यहां लोभ के चक्कर में हम गलत कर गए, यदि हम मांगते ही नहीं तो सवाल ही नहीं होता। इसे कहता है यद्यपि यद्यपि ये लोग लड़ने आ रहे हो मुझे मारने आ रहे हैं, ये बात बिल्कुल सच है, ये लोग क्यों आ रहे हैं, लोभोपहत चेतस, लोभ क्या चीज है, स्थित द्रव्य त्याग असहिष्णुत्व लोभत्व, जो आपके प्राप्त द्रव्य स्थित द्रव्य है उसको किसको देना नहीं चाहते हैं, उसके त्याग की असहिष्णुता का नाम लोभ होता है, ठीक है मैं नहीं है ढूंढोगे, क्योंकि जो लोभी होता है ना उसको पुत्र से भय होता है, पुत्रादपि धनभाजाम भीति, धनभाजाम धन को भोगने वाले जो सेठ होता है महान, वो अपने पुत्र से भी डरते कहीं बर्बाद तो नहीं कर देगा ज्यादा। अब एक सेठ जी आते हैं हमारे पास, वो बार बार कहते हैं महाराज कब हम आपके शरण में आ जाए, सब छोड़ के हम कैसे आना चाहता हूं लेकिन नहीं आ सकता, वो क्यों, उसको डर है बेटों पर, दोनों बेटे बर्बाद कर देंगे, हमेशा बोलता है वो बेटा नहीं ऐसे कर दे, बेटा नहीं ऐसे कर दिया, मुझे डर है कि बर्बाद कर देगा पूरा मेरे जीता जी, मैं नाश होता हुआ देखना नहीं चाहता, फैक्ट्री बर्बाद हो जाए नहीं देखना चाहता, क्योंकि हुआ भी इतना ऐसे, एक बेटे ने कॉटन की कपड़ों की फैक्ट्री डाला और फैक्ट्री आग लग गई, लाखों रुपये बर्बाद हो गए, फिर चलो उसको दूसरी धंधा बना करके दिए, उसको देखिए वो होता ना क्या UPS, यानी UPS में क्या बोलते थे आजकल इन्वर्टर वो बनाने को दिए, होम UPS और इन्वर्टर बनाने, वो फैक्ट्री में पता नहीं क्या गड़बड़ा गया, लाखों रुपए का वो डुबा दिया उसने, अब कैसे सेठ जी, मैं सेठ जी बोलता है मैं कैसे ऐसे बच्चों के खाते सब सौंप दूं, यदि मैं कल तो मेरे को बेच डालेंगे फिर, तो उसको पुत्र से डर है, इतना पैसों का मोह है, और नीति शास्त्र बिल्कुल सही कहता है सर, पुत्रादपि धनभाजाम भीति, पुत्रादपि, और दूसरे तो कह रहे क्या, और ऐसा भी कि दूसरे को कबड़ी भी देखा कभी,
अपने पुत्र को देने के लिए डर रहा है तो दूसरे को कहां से देगा। लोभ की कहानी एक से एक है, लेकिन दो दृष्टांत बहुत जरूरी है लोभ समझने के लिए कैसा होता है। एक बार महान ब्राह्मण पंडित था, लोगों ने पूछा पाप का बाप कौन है, पाप का बाप कौन है। अब बहुत ढूंढा ढूंढा शास्त्र याद किया, कहीं उसके दिमाग मिल ही नहीं रहे, कहीं लिखा ही नहीं पाप से पिता अमुक कह करके, सीधे सीधे शब्द में कहीं लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बात नहीं समझ में आई, बहुत परेशान रहा। तो बहुत अपमान की बात है, मैं बड़ा काशी से पढ़ लिख के आया, बड़ा सम्मान था विद्या गांव में, अब ये छोटी सी बात लेकर लोग कह रहे थे इतने बात मालूम नहीं इसको, छोटी सी प्रश्न एक बच्चे ने पूछा नहीं आता इसको, क्या पंडित है, बड़ा अपमान में सुख काशी जाने लगा वापस जाऊंगा फिर पता लगाऊंगे शास्त्र कहाँ है। इधर रास्ते में एक वेश्या आई, गाँव की जो वेश्या होती ना वो आई और मत्था टेकी, महाराज प्रणाम नाम करी, 100 रुपया रख दी, हाँ चुपचाप में डाला उसने, कहो क्या बात महाराज, कल आप जो है थोड़ी देर के लिए हमारे घर में चरण में चरण रख दो, बस ठीक है घर वापस चला गया, जंगल फिर कल और देगी ना कुछ ना कुछ। फिर अगला ही सवेरे गया, इधर उधर देखे कोई देख ना ले कि इसके घर में जा रहा है ना, बदनामी हो जाती है ना वेश्या के घर जा रहा, और डर डर के चारों तरफ देख ले सब खेती बाड़ी में गए हैं कोई नहीं है, बिल्कुल चुपचाप गया। फिर 50 रुपये मत्था टेकी, मत्था टेक करके बहुत आनंद हुआ, पा गए बहुत खुशी हुआ, हमारा घर पवित्र हो गया, ये वो बोल बोल के उसने विदा कर दिया। और जाते जाते भी कह दिया भगवान जब इच्छा होगी तब आप आ जाइए। अब इसने देखा 150 रुपये जब तक जब खाली नहीं हुई तब तक तो चुपता, फिर देखा खाली तो हो गया क्या करें, चलो वहीं चलते हैं, कहाँ इधर उधर काम काट के चक्कर घूमते फिरेंगे, वहाँ जाते ही मिल जाता है ना, तो चुपचाप वहाँ गया। फिर चारों तरफ देख दाग करके फिर वो 50 रुपये फिर दे दी, फिर दे गई, फिर है कहीं क्या, कल आप फिर भोजन में आइएगा, देखे भ्रष्ट होते जा रहा है वो, भोजन में आया तो भोजन में फिर 100 रुपये दक्षिणा दी, ऐसे करते करते उसको पास, ये करते करते जो है इसके मन में क्या आया, सीता नहीं वो सुंदर तो थी, तो उसकी बेटी को मांग बैठा, ऐसा करो तुम्हारी बेटी को जो है हमारे बेटे से, बहुत पैसा थी वेश्या के पास, हम गरीब पंडित हैं। तब उसने कहा, तब वेश्या ने कहा पंडित जी मैंने क्यों तुमको रोका था मालूम है, तुम्हारे प्रश्न का जवाब मिल गया है, 2 थप्पड़ दूंगी ना अकल में समझ में आएगा पाप का बाप कौन होता है। क्या कह दिया आपने, हाँ ये सब 100 रुपये का लोभ है, पैसों का तुम लोभ ही थे, अब पैसों के लोभ में तू भ्रष्ट होते ही गया, अपने ब्राह्मण तो भूल गया, वेश्या के घर में आ गया, वेश्या के हाथ का रोटी खा लिया, वेश्या के हाथ का पानी पी लिया, अब वेश्या की बेटी से रिश्ता भी करना चाहता है, ये सब धन का लोभ, ये लोभ ना होता तुम्हारे अंदर ये पाप तो नहीं करता, इसे पाप का बाप लोभ है, इसे ये जो पाप कर रहे दुर्योधन आदि भी इसी लोभ के वजह से पाप कर, अब मुझमें भी लोभ थी तो हम भी पाप के प्रवृत्त हो गए थे, कथम न ज्ञेयम अस्माभिः, इन हमारे द्वारा ये बात क्यों नहीं समझनी चाहिए, अवश्य समझना चाहिए और लोभ को तत्काल त्याग देना चाहिए और संन्यास ग्रहण करना चाहिए, ये अर्जुन का तर्क। इसलिए कहता है कि यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, लोभोपहत चेतसः, क्योंकि लोभ मूल तत्वात के कारण क्या है, इसमें टीकाकार बहुत सुंदर दिए हैं, देखिए थोड़ी सी, साहि लोभ मूलिका स्मृति ही कुलक्षय दोष विधि ना बाध्यते, कि लोभ मूलिका स्मृति जो क्या करेगी कुलक्षय दोष विधायक को बाधित कर देती है, क्योंकि कुलक्षय का दोष से आपने कहा क्या पाप होता है, उसको निवारण कौन करेगा, कति दूसरी स्मृति है, जैसे दृष्टांत क्या है औदुम्बरीम स्पृष्टवा उद्गायत का है वेद में, उदुम्बर का लकड़ी है उसको छू करके गान करनी चाहिए, जहां छूएंगे वहां पर एक कपड़ा डालने के लिए कह दिया, तो लगे नहीं वो लकड़ी गड़े नहीं इसलिए कपड़ा डाल, पंडित लोभी था उसने क्या सोचा टुकड़ा टुकड़ा से क्या है लंगोटी का काम में नहीं आएगा ढंग का, इसे ऐसा करते हैं इसको धोती पूरा बांध दो, पूरा लकड़ी को ऊपर से नीचे तक
एक धोती मिलेगा ना दक्षिणा में, फिर बिना मांगे मिल गया। लोभी ब्राह्मण ने क्या करा, पूरे उदमल ऊपर से नीचे तक एक धोती पूरा लपेट दिया और वही परंपरा चलने लगी। इन बाद विचारकों ने विचार किया क्या उचित है ये, एक धोती पूरा पहनाने के लिए विधि तो आया नहीं, ऊपर से नीचे तक स्पृष्टवा का है, जहां स्पर्श हो वहां गड़े नहीं, उतने क्षेत्र में हम बांधेंगे तो काम चलेगा ना, फिर जहां पीठ लग रहा है पूरे युग में क्यों बांधा जाए। जब विचार हुआ औदुम्बरी सर्वावेष्टितव्या, ऐसे जो बाद में लोगों ने विधि बना लिया, वह विधि और श्रुति का तुलना करने के बाद हेतु दर्शनात् मीमांसा में एक सूत्र बनाया जैमिनी ने और निषेध कर दिया पूरे में लोभी ब्राह्मण की विधि को, खंडन कर दिया और कहा कि यह किंचित जितनी है उतनी टुकड़ा कपड़े बांध दो। लोभ में सब कुछ होता है, ब्राह्मण लोग कम नहीं करते हैं। एक शादी हुआ, ब्राह्मण लोभी था और क्या करे, उसके पास ठंडी भी आ रही थी, रजाई बनाना था। उसने कहा कि लड़के को दोष है चंद्रमा का, ये 2 किलो रुई लाना, 2 किलो रुई और लड़की का इस तरफ और लड़के का उस तरफ 1-1 किलो रख देना रुई। चंद्र का जो किरण, रात्रि विवाह हो रहा है, चंद्र का जो किरण है ना सीधा रुई में चला जाएगा, विवाह के ऊपर असर नहीं करेगा। बोला उसने, युक्ति आपने निकाली, कोई विधि तो आई नहीं। अब जो है ना लड़के का जो पंडित था, जब लड़के के साथ आया, वर के साथ आता ना उनका अपना पंडित भी, कन्या का पंडित नहीं, युक्ति तो निकाले इस तरह से। अब वर का पंडित देखे ये है क्या रुई, कौन सी विवाह की पद्धति है भाई, लड़का लड़की के बगल में 1-1 किलो रुई रख दिया, मोटा एकदम रुई एकदम फैला करके रख दिया है, क्या बात है। अब ये भी समझ गया कन्या का पंडित, देखा ये तो वर पंडित इसको बार बार क्यों देख रहा है, रुई को परेशान है लग रहा है इस चीज से। उसने कहा अद्दम बर्दम स्वाहा कर, अद्दम बर्दम स्वाहा क्या चीज होती है, वो भी नहीं समझ पाया वर पंडित ने। ये समझ गए इसने देख करके चेहरा को, ये समझ नहीं पा रहा है, अर्दम 50-50 हम कर लेंगे, चिंता मत करो। इसने कहा मह्यम अर्दम स्वाहा तुभ्यम अर्दम स्वाहा, तब उसको समझ में आ गई अस्तु स्वाहा। उसने कहा इसके अंदर लोभ जग गया। अब जो गांव वाले थे उन्हें क्या मालूम क्या मंत्र बोल रहे, कुछ मंत्र हो रहा है स्वाहा हो रहा है, सबने आहुति डाल दिया। लोभो पतच्छेद ऐसा ऐसा ही होता है, सब अविधि पूर्वक कार्य होने लगते। तो औदुम्बरी सर्वावेष्टित वेदि है, नीलकंठ टीका में देख लेना सारी, अगला प्रश्न 27 पेज में है। औदुम्बरी स्पृष्टोद्गायति स्पर्शन विधिना विरुद्धा सती, औदुम्बरी सर्वावेष्टितव्या इति सर्ववेष्ट स्मृति बाध्यते लोभमूलकत्वात् तद्वत् नहि विधि मात्रा यत्किंचित् कर्तव्यम्। विधि मात्र को देख करके कुछ भी कर दो ऐसे कभी नहीं करना चाहिए, सोचना समझना चाहिए कि लोभ मूलक है कि श्रुति मूलक है। श्रुति मूलक है तो करो, लोभ मूलक है तो मत करो, ये यहां पर कह दिया। नहीं तो क्या होगा समस्या, शेनादि यागों में धर्मत्व की आपत्ति आ जाएगी, शेनादि याग में भी धर्मत्व की आपत्ति होगी। वो कैसा होगा देखिए, वो अब बाद में उठाएंगे, उससे पहले इसको श्लोक और समझ लीजिए। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपतचेतसः कुलक्ष कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातक। इसलिए लोभ से उपचित वाले होने से इन लोगों को दो चीज नहीं दिखाई दे रही, क्या कुलक्ष कृत दोष और मित्र द्रोह कृत पातक, ये दो इनको नहीं दिख रही है लेकिन हमें तो दिखाई दे रही है। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपतचेतसः कुलक्षतं कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। कथं न ज्ञेयम् अस्माभिः पापाद् अस्मान् निवर्तितुं कुलक्ष कृतं दोषं पश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, यहां से बोलो का दूसरा अर्थ लेंगे, जनन अर्दयति ने मारने की बात नहीं है यहां पर, मारो कर की बात नहीं है यहां पर, लेंगे आप जनान जनाः भक्ताः ये तदाश्रिताः तेषां जनानां न अधर्मे प्रवृत्ति स्यादिति तैर अर्थ्यते अर्ध्यते याचनायां प्रार्थ्यते इति जनार्दन। अर्ध धातु जो है प्रार्थना अर्थ में भी है ना, प्रार्थना कर रहे हैं, तैर अर्ध्यते याच्यते प्रार्थ्यते इति जनार्दन। जनाः
भक्ता ये त्वदाश्रिता तेषां न धर्म प्रवृत्ति स्यादिति या प्रार्थना या तैर इति या प्रार्थ्यते अर्ध्यते याचते इति जनार्दन तेषां न अधर्म प्रवृत्ति स्यादिति। बोलो क्या प्रार्थना कर रहे हैं? हमारा अधर्म प्रवृत्ति कभी ना हो, ऐसी याचना करते हैं। भक्त भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं? यही तो करते हैं ना, भाई हमसे कभी कोई पाप ना हो जाए, हमसे कोई अधर्म ना हो जाए, हमसे किसी के प्रति अन्याय ना हो जाए, यही तो भगवान से प्रार्थना करता है भक्त। ना अधर्म प्रवृत्ति स्यादिति या प्रार्थना, ये दर्श प्रार्थना कौन करता है? तैर अर्ध्यते याच्यते प्रार्थ्यते इति जनार्दन। वैसे मैं भी आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, मेरे समझ में तो यही आ रहा है कि मैं अधर्म में जा रहा हूं, इसे मुझे को अधर्म में जाने से प्रवृत्त होने से आप कृपया बचाओ, वैसे प्रार्थना।